कृष्णदास जी ले आए ना आगरा से एक बार अंगना को कि चल आज तू मेरे सेठ को, मेरे साहूकार को रिझा, यदि वो तुझ पर प्रसन्न हो गया, यदि वो तुझ पर रिझ गया, तुझे इस गर्त से निकाल लेगा, तुझे फिर नहीं आना पड़ेगा इस ओर, वो तुझे भर देगा, तृप्त कर देगा। और कहते हैं जैसे ही पट हटाया गुसाई जी ने, और जैसे ही उस वारांगना ने, जैसे उस वारांगना ने सन्मुख देखे गोवर्धन नाथ, अब उसके हृदय की क्या स्थिति होगी ये कहा नहीं जा सकता, केवल ये तो अनुभव का विषय है। उसने तुरंत मन में एक संकल्प किया कि जो मेरे पास है आज मैं सर्वस्व इन पर लुटा दूंगी। अब वो सोच रही थी कोई होगा, कोई बड़ा व्यक्ति होगा, कोई समृद्ध व्यक्ति होगा, उसे नहीं पता था कहां जा रही हूं मैं। अब यहां एक और बात मैं आपसे कहता हूं, कृष्णदास जी अधिकारी के कान में उसका स्वर पड़ा था, वो आगरा के बाजार में घूम रहे थे, कान में उस नर्तकी का स्वर पड़ा, उस स्वर में कहीं ना कहीं प्रेम था। जो मैं आपसे कल कह रहा था ना, प्रेमी हृदय अलग होता है, सोने का सिक्का कीचड़ में भी गिर जाए पर है सोने का ही सिक्का, उसका मोल कम नहीं होता, वो सोने का ही सिक्का है। ऐसे कभी कभी प्रारब्ध से, किसी संस्कार से, कभी कभी किसी भूल से, किसी गलती से हो जाता है, किसी ऐसे वातावरण में जन्म, किसी ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है जीव पूर्व के किसी प्रारब्ध से, लेकिन ऊंच नीच घर औतरे पर रहे संत का संत, प्रेमी हृदय प्रेमी हृदय रहता है। कान में स्वर पड़ा, उस स्वर में प्रेम था, स्वर से खींचे चले गए कृष्णदास। कृष्णदास जी अधिकारी जैसे हृदय को खींचना, ये कोई साधारण रूप गुण ये कार्य नहीं कर सकता था। जिनके रोम रोम में भरा है श्री श्रीनाथ जी का रूप, जो छके रहते हैं श्रीनाथ जी की रूप माधुरी में, वो ऐसे ही नहीं चले गए होंगे किसी नाचने वाली के यहाँ। उस स्वर में कुछ होगा, उस स्वर में कोई आकर्षण था जिसे खींचे चले गए। फिर जब जाकर उसका नृत्य देखा तो कहा कि ये कोई दैवीय जीव है, ये किसी भूल से, किसी अपराध से ये यहाँ आ गया है, लेकिन ये कोई दैवीय जीव है। ऐसा आकर्षण सहज में संभव नहीं है। ले गए उसको हाथ पकड़ के वहां, यही उमा संत के यही बढ़ाई, ले गए हाथ पकड़ के उसको वहां श्रीनाथ जी के सन्मुख कर दिया, और वो दैवी जीव ही था, नहीं तो वहां तक कैसे पहुंचता। वो दैवी जीव ही था, पहुंच गया श्री लाल जी के सन्मुख। बस देखते ही एक यही भाव मन में आया कि मैंने आज तक जो सीखा है, जो मैंने जाना है, मेरी जो विद्या है, आज मैं सर्वस्व न्यौछावर करती हूं। जैसे उसने सेवा करनी आरंभ की, अंतःकरण शुद्ध होता गया। कितनी देर लगती है, पारस जब छूता है लोहे को, कितनी देर लगती है उसको सोना बनने में, और पारस ये भी नहीं पूछता लोहा कहाँ से आया है, मंदिर से आया है या कसाई के यहाँ से आया है, पारस नहीं पूछता है। कितनी देर लगनी थी, सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अघ ना सही तब ही, उसका रोम रोम शुद्ध हो गया। और बस ऐसी गाते गाते बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। इसलिए आपको मैं उस दिन कह रहा था, प्रभु का द्वार, प्रभु का दरबार आपके मेरे लिए सदा खुला है, कहीं इधर उधर न देखना, सीधे जाना। हाँ, बस निष्कपट होकर जाना, निश्चल होकर जाना, जैसे हो प्रभु वैसे स्वीकार करेंगे। कितना मैला कुचैला जीव पहले तो संत की कृपा उठाकर ले आए, प्रभु के चरणों के सन्मुख रख दिया, प्रभु का रूप देखते ही आहा, मन गंगा की धारा जैसा पावन हो गया। सही कहा है सूरदास जी ने, एक नदिया एक नार कहावत, और मैलो ही नीर भरो, एक गंगा है और एक कह रहे गंदले पानी की धारा है, मैलो नीर भरो, कह रहे जब मिल दो एक बरन भय सुरसरी नाम परो। इसी का विचार करके हे नाथ आप मेरे अवगुण ना देखना। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। और एक और बात, नहीं धरते
ठाकुर जी अवगुण हृदय नहीं धरते। अगर प्रभु जीव का अवगुण देखे भाई, फिर तो कभी कोई स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। जैसे हम हैं वैसे ही तो प्रभु स्वीकार कर लेते, कोई एक बार बस जो का त्यों चला जाए। इसलिए मैंने कहा उनका द्वार सदा खुला है, आप निष्कपट होकर जाना, किसी की आवश्यकता नहीं है आपको, आपको कोई मुहूर्त नहीं देखना है, किसी काल का विचार नहीं करना है, कुछ नहीं बस। और मैं तो कहूंगा देर नहीं करो, जितनी शीघ्र ये बात समझ में आ जाए, हरि पद भज ना विलंब कर।